बढ़िया एबीएस वाला मोटरसाइकिल, एंटी लॉकिंग ब्रेक सिस्टम। एबीएस क्या करता है, अपना बाइक वालों का टक्कर फोर व्हीलर से हो रहा है। जब कभी हम ब्रेक मारते हैं ना, हाचाक से मार दीजिएगा ना, तो ब्रेकवा जाके। चलिए बाबू समझिए अब ध्यान से आगे। एंटी लॉकिंग ब्रेक सिस्टम, जब कभी हम ब्रेक मारते हैं ना, हाचाक से मार दीजिएगा ना, तो ब्रेकवा जाके चाप देता है किस पर, चक्का पे। उसको क्या कर देगा, बंद कर देगा उसको यहां पर। तो ब्रेक को इतना मजबूत बनाया जाता है कि 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को झेल ले जाए। तो ब्रेक 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को क्या कर सकता है, झेल सकता है। क्योंकि देखिए आप सोचिए, उतना तेज गति से चक्का क्या हो रहा है, नच रहा है। उतना तेज गति से जब चक्का नच रहा होता है, तो उसमें ब्रेक लगाने पे ना, ब्रेक पे बहुत ज्यादा क्या आएगा, घिसावट आएगा। अब ध्यान से देखिए, ये तो चक्का टायर हो गया, टायर के पास आपको यहाँ एक दूसरा प्लेट दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए प्लेट दिख रहा है, स्टील का प्लेट। ये प्लेट किससे जुड़ा हुआ है, चक्का से। तो ब्रेक किस पे लगेगा, इसी स्टील के प्लेट पे, समझा गया। ब्रेक प्लेट पे लगेगा, किस पे लगेगा, ब्रेक प्लेट। अब वो जुड़ा हुआ है किससे, चक्का से। किससे जुड़ा है, चक्का। ब्रेक लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, लेकिन इस पे घिसावट कितना आएगा जरा सोच के देखिए। यहाँ पे इस ब्रेक पर कितना ज्यादा, जब ये ब्रेक का जो रबर है इस पे चिपकेगा, कितना तेज घिसावट आएगा, इसका अंदाजा अगर लगाना है तो चलते पंखा को ना नीचवा से अगर इसे चेक करेंगे रोकने के लिए ना, तो हथवा पे एकदम रगड़ देता है पूरी तरह से। पंखिया में मत फंसाना तुम लोग गधा कहीं का, पंखिया में हथवा डाल देगा से, यहाँ पे खटखटा के कट जाएगा यहाँ पर। तो ब्रेक लगभग 400 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को क्या कर सकता है, झेल सकता है। किसी को दिक्कत, आगे बढ़े। ब्रेक में एक खराबी ये होती है, ब्रेक की सबसे बड़ी खराबी कि अगर आप उसको बहुत तेज लगा देंगे ना, तो चकवा को जाम कर देगा। चक्का को क्या कर देगा, जाम। अब गाड़ी चल रही है और आपने ब्रेक मार दिया धड़ाम से एकदम यहां पे, तो चक्का रुक गया। चक्का क्या हो गया, रुक गया, लेकिन गाड़ी तो नहीं रुकी है। चक्का रुक गया तो गाड़ी क्या होगी, फिसलेगी। क्या हो जाएगी, फिसल जाएगी। खास करके बरसात में गाड़ी क्या हो जाएगा, फिसल जाएगा। तो ये क्यों फिसला, क्योंकि आपका चक्का लॉक हो गया। ब्रेक ने क्या कर दिया, चक्के को लॉक कर दिया। ये बहुत बड़ी समस्या थी। जब हम लोग ब्रेक मारते थे, चकवे रुक जाता था। साइकिल में अक्सर ये सब करते थे हम लोग बचपन में। खूब तेज साइकिल लाएंगे, हल्का सा मोड़ के ब्रेक मारेंगे, खटाक से साइकिल ऐसे फिसल जाएगा। देखिए साइकिल क्या हो जाता, फिसल जाता। पूरा चक्का को क्या करता, लॉक कर देता था। लेकिन साइकिल तो हल्की गाड़ी है, हल्की गाड़ी को संभालना आसान होता है। मोटरसाइकिल तो संभाल में नहीं है कि 1.5 क्विंटल की मोटरसाइकिल, कहाँ 20-30 किलो का साइकिल। अरे 30-40 किलो का तो साइकिल ही होता, हाँ 20 किलो का हो गया, 15-20 केजी का साइकिल है, उसमें कौन जी लगा रहता है यहाँ पे। लेकिन मोटरसाइकिल मुश्किल है, तो इसे लॉक करना ठीक है या लॉक नहीं होना चाहिए, हाँ नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे घूमे लेकिन लॉक नहीं हो। लॉक तभी हो जब गाड़ी कंप्लीटली रुक जाए, गाड़ी कंप्लीटली रुक जाए, समझा। तो एबीएस क्या करता है, एंटी लॉकिंग ब्रेक सिस्टम एबीएस। इसमें जब हम इससे ब्रेक अप्लाई करते हैं ना, ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो वो चक्के को अचानक नहीं रोकता है, धीरे कर देता है। और जब तक गाड़ी झटका देगी पीछे से, उसको पता चल जाएगा कि गाड़ी के पास मोमेंटम है, संवेग है, झटका देगी। जैसे झटका देगी फिर वो ब्रेक को छोड़ देगा। इससे क्या होगा ना, धीरे 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 गाड़ी क्या होगी, कंप्लीटली धीरे रुकेगी, अचानक नहीं रुकेगी। वो ब्रेक लगा देगा, उस पर धाम से ब्रेक लगा देगा, गाड़ी जैसे झटका देगी फिर छोड़ेगा, हल्का सा लूज करेगा, अचानक नहीं छोड़ेगा, हल्का सा लूज करेगा। तो गाड़ी अचानक रुक के रगड़ नहीं खाएगी, रुकेगी, लेकिन वो क्या होगा, आपका स्लिप नहीं करेगी। रुकेगी लेकिन क्या होगा, स्लिप नहीं करेगा, समझ आ रहा है। पहले क्या था, गाड़ियों को अगर आप ब्रेक मारिए तो यहां पर चक्का रुक गया, चक्का यहां रुक गया और गाड़ी रगड़ के यहां तक चली गई। तो पहले का सिस्टम में जैसे यहां बनाते हैं, ऐसे ब्रेक मारा, यहां पे ब्रेक लग गया, यहां चक्का रुक गया, अब गाड़ी यहां सरक के यहां तक चली जाएगी, यहां एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि सरकेगी तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अभी का सिस्टम क्या है, गाड़ी अगर यहां से स्टार्ट किए, यहां ब्रेक मारेंगे ना, तो गाड़ी यहां नहीं रुकेगी बल्कि यहां जाके रुकेगी, थोड़ा सा आगे जाएगी, लेकिन वो प्रॉपर वे में डगर के जाएगा चक्का। कैसे जाएगा, डगर के। जब तक पीछे से गाड़ी झटका मारेगा, वो ब्रेक को ढीला करेगा, लेकिन जब झटका कम हो जाएगा तब जाके ब्रेक को कंप्लीटली पकड़ देगा, समझा गया। और पहले क्या था, हम लोग पे डिपेंड करता था, हम लोग दाब दिए पटाक से ब्रेक दबा दिए,
समझ में, कचकचा के ब्रेक दबा दिए, उसमें एंटी लॉकिंग सिस्टम था ही नहीं, हम दबा दिए कचकचा के, ऊपर कर लिया ब्रेक को कचकचा के, ले चक्का क्या हो गया बंद हो गया, ले फिसल के चल गए खेत के, खेत में उतर गए, सड़क से चल गए खेत में। अभी ऐसा नहीं है, आप कितनों दबा दीजिए वहां पर वो ब्रेक को लगा देगा, लेकिन अगर उसको एहसास होगा कि अभी गाड़ी में झटका बाकी है तो उसको थोड़ा सा ढीला कर देगा, थोड़ा सा और डगरेगा, उसको एक जब फील हो जाएगा नहीं गाड़ी से आने वाला झटका अब उतना खतरनाक नहीं है, तो जाके पूरा कचकचा के पकड़ लेगा। पहले क्या था? हाँ, जब मन तब पकड़ के रख देता था, आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? जब जिस गाड़ी में एबीएस नहीं होता है उसमें अगर हम फुल पावर से ब्रेक दबा दिए तो चक्का लॉक हो जाएगा कि नहीं? हाँ, लेकिन अगर किसी जिस जिस गाड़ी में क्या है एबीएस है, हम कितनों तगड़ा मार देंगे अगर गाड़ी झटका के लायक है तो लॉक होगा क्या? ब्रेक छोड़ देगा या ढीला करेगा? अरे छोड़ देगा तो फेंका जाएंगे हम लोग, वो ढीला करेगा ताकि थोड़ा सा डगर जाए, थोड़ा सा क्या जाए डगर जाए। तो बताइए गाड़ी एबीएस आने से गाड़ी फिसलेगी? बरसात में ब्रेक मार दिए धाम से, फिसलती कब है? गाड़ी के पास मोमेंटम है डगरने के लिए, आप मार दिए धाम से, गाड़ी का चक्का रुक गया, सड़क पर है फिसलन, फिसल जाएंगे, लेकिन एबीएस रहेगा, मारेंगे ब्रेक तो रुकेगा। ऐसे इस गलत फहमी मत रहिए कि गाड़ी नहीं रुकेगी, प्रॉपर रुकेगी, एकदम बेहतरीन ढंग से रुकेगी, लेकिन वो अपने हिसाब से एडजस्ट करके रुकेगी। समझ आ गया कि नहीं आ गया? चक्का लॉक होने से कौन बचाता है? एबीएस। हाँ, कौन लगाएगा? एबीएस। अब बाइक में भी एबीएस आ गया, पहले केवल फोर व्हीलर में आते थे, अब ना बाइक वालों का टक्कर फोर व्हीलर से हो रहा है। यार बाइक बाइक से टक्कर करना, फोर व्हीलर से क्या? नया मॉडल आ गया, अब गाड़ियों में एबीएस है। आप में किसी के मोटरसाइकिल में एबीएस है जी? बढ़िया, एबीएस वाला मोटरसाइकिल। आप लोग की स्कूटी में?